दो काम ही होंगे नलियां वगदिया रहा बाथरूम बहुत आंदा है पार्लीमेंट का क्वेश्चन तैयार करना ही बट हजे तक मैं यस ए गाइस अपने स्कूल फ्रेंड्स है जो अपने नाल क्लास पढ़ते ही लंगर कठा गया अभी गल इदा आ यूथ पार्लीमेंट वो हुंदा आ बिल लागू कराना हुंदा आ तां वो स्पीकर दे थ्रू आपां करदे आ रिफ्रेशमेंट गाइस ते 7 बज चुके हो आ रह रात दा टाइम हो चुका है गुरुद्वारा साहिब चलिए जी गाइस ते की हाल चाल ते सिरे सिरे आ चुके हुए हैं आपां कॉलेज वालों ते वेलकम बैक टू चैनल गाइस किदां सारे होप करदा कि सारे ठीक होंगे ते मैं बिल्कुल ठीक हां ते ठंड बड़ी हो चुकी हुई है गाइस इक तां पहले ही कॉलेज तो लेट हो गया आने लग्या क्योंकि 9 बजे दा टाइम हुंदा ते मैनूं आंदे नूं 10 बज गए घंटा लेट तां करके क्योंकि पग दा लड़ छोटा रह गया सीगा क्लास तां लानी नहीं है बट कॉलेज यूथ पार्लीमेंट चल रहा जो यूथ फेस्टिवल सी यूथ पार्लीमेंट भी आ उह तुहानूं अगे जाके दसदा वी की सिस्टम हुंदा उहदे च की कुछ हुंदा की कुछ नहीं हुंदा अंदर आके मिलते हैं तुहानू जिंद्रा कॉलेज आ चीज नवी ला दी अज रजिंद्रा कॉलेज ना जाने गाइस अगे घंटा लेट हां मिलदा हुंदे आके हेलो हेलो गाइस एक बंदा मिल चुका है यूथ पार्लीमेंट बारे दसना उस की कुछ होंगे यार बाबा एमएलए बैठे होंगे यार बह के दसागे गाइस फील दसागे पूरी गाइस एक नंबर करना है ही क्योंकि सर्दियों तो दो काम ही होंगे जहाँ नलियां वगदिया रहिंदियां है बाथरूम बहुत आंदा है बात सही है हुण जाने ऑडिटोरियम गाइस जिथे यूथ पार्लीमेंट होना है फाइनल यूथ पार्लीमेंट कदों है सोमवार नु सोमवार मंडे किन्नी तरीक अज पाए ना अपने 6 तरीक 6 तरीक नु अज हैगी है हजे 3 तरीक 4 भाई 4 अज प्रिंसिपल सर ने दी हां ते मेरा क्वेश्चन जेड़ा मेरा क्वेश्चन है ना गाइस पार्लीमेंट च वो हजे मैं तैयारी नहीं की रात हां भाई सच मैंने मैडम ने हजे परसों गया कल क्या ही मैडम ने 1 बजे देखा चुप करो यार विचार हो गई पार्लीमेंट का क्वेश्चन तैयार करना ही बट हजे तक मैं यार दस दया को जाके तेन अंदर जाके दस दा ऑडिटोरियम दे की है की नहीं गाइस ऑडिटोरियम तो आ चुके हैं बट ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है इतने फिर भी थोड़ा जहा दस दें तुम्हें यस गाइस अटेंडेंस लगती है थोड़ी बहुत ही ऑडिटोरियम गाइस बहुत बड़ा है बट आपा थोड़ा जहा कवर किया है तक पहुंच गया है तो इस समस्या लई सरकार की उपराले कर रही है स्पीकर साहब मैं तुम्हारे गाइस ऐसी पार्लीमेंट मैनू मैडम ना बोलन यार व्लॉग तो बना रहा मैं फोन यूज करन नहीं देंदे बट आपा कर रहे हैं मोटा जा अपने नाल नहीं आया ही क्योंकि आपा लेट आए ही थोड़ा जा ते हां बैठ रहे हैं वैसे ही बना लिया बस आई ठीक है और ते गाइस अपने स्कूल फ्रेंड्स है जो अपने नाल क्लास च पढ़दे ही आ लंगर कठा गया अभी बकवास मार ते ओ तू पहचान ही लिया होगा मॉडल सीगी एक क्लास दी साडे काली मॉडल है मॉडल सीगी ना नहीं नहीं चलो बाय गाइस मैं जाना हूं शक्ल दिखानी आया सी बस आ गया पार्लियामेंट से जाना आ गया ते गाइस जानने हूं तन्नू पार्लियामेंट समझाने 10 मिनट दी ब्रेक सीगी ते मैं बाहर आ गया ही
हाँ जी गाइस ते सेमिनार हॉल च आप आ चुके हैं, वो सामने सेमिनार हॉल आ ते इधर आया पहला ऑडिटोरियम च बैठे ही यूथ पार्लीमेंट दे उस च। ते गाइस गल इदां आ, यूथ पार्लीमेंट वो हुंदा आ जदों सरकार वाले कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने हुंदे आ, कोई भी बिल लागू कराना हुंदा आ तां वो स्पीकर दे थ्रू आपां करदे आ, जो पार्लीमेंट लगदी आ जिस च सारे मंत्री आउंदे आ, ते इहो जिहा कुछ हुंदा। बाकी मैनूं ज़्यादा नॉलेज नहीं है इहदी, ते ये भी एक तरह की एक्ट ही हुंदा एक तरह का, मतलब कि रियल पार्लीमेंट नहीं हुंदी, यूथ पार्लीमेंट भी बच्चे की अपना यूथ की करता पार्लीमेंट एक्ट करना हुंदा आ, जिवें थिएटर सीगा उस तरह ही हुंदा, बस इस एक्टिंग नहीं करनी हुंदी, मतलब एक्टिंग थोड़ी जी करनी हुंदी, बोलन की एक्टिंग करनी हुंदी ज़्यादा, तो बोलना जिदा वधिया होवे, ज़्यादा मंत्रियों वर्गा होवे, बैठना उठना मंत्रियों वर्गा रहना चाहिए, पहरावा उन्हां वर्गा करना चाहिए, तो ये कुछ हुंदा यूथ पार्लीमेंट हुंदी आ। तो वह हैगे गाइज छे तरीक नी, तो अज हजे 3 तरीक हुई है, तो हजे 3 दिन पे आ, तो रिहर्सल हुंदियां तो हफ्ता हो गया होया, बट व्लॉग नहीं आए ही क्योंकि यार है ठीक नहीं सी, थोड़े बहुते वीकनेस बहुत आई हुई है शरीर चा करके व्लॉग नहीं बन रही, क्योंकि प्रॉब्लम आई हुई है यार थोड़ी ढिड च, मैं कुछ भी खाना मैं वॉमिटिंग आ जाती है, तो करके शरीर वीकनेस आ गई, तो मैं पतला भी बहुत हो गया, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा घट गया, बट कोई नहीं हौली हौली आप ठीक हो जाएंगे। तो हूँ गाइज 10 मिनट की ब्रेक मिली सी, तो मैं नीचे जाके आया, पानी पीन गया हैगा, तो नीचे वो मिल गए, तो उन्होंने मिल के आया, तो हूँ फिर पार्लीमेंट बस आँदे सारे जने, तो पार्लीमेंट फिर शुरू होए नहीं आ, अपना क्वेश्चन भी सीगा बट वो हजे आंसर तैयार तैयार नहीं होया यार, उनका पहला मैं मंत्री बनाता सी मैनू, हूँ और कोई क्वेश्चन वो हजे तैयार किया, क्वेश्चन उनका बन गया, आंसर तैयार करना ही मैडम कहते, अच्छे तो आंसर तैयार कर आंसर भी देवे, बाकी विखाने थानू आ, देखो भाई आ देखो ये गाइज देख लो, इन्हें बेशरम बंदे ना ये रोटी खान आ गए, तानू मैं कह रहा रिफ्रैशमेंट आऊगी हूँ गाइज, रोज ना रिफ्रैशमेंट मिलती है, एक चाह तो एक समोसा या ब्रैड हो जाता कई कई बार, थोड़ी खानी अपन नहीं खाते, डिप्टी स्पीकर साहब आ गए, चलो आंदे आ सारे, आ हूँ मिनट च भर देना आ ये सारा ऑडिट सेमिनार हॉल, तो मिलते हैं रिफ्रैशमेंट गाइज, तो चाह पीने समोसा खाने, भुख लगी होती है सेहत की, तो फिर मिलते हैं तुम, नींद बड़ी आई जाती है यार, चाह पीने नींद उठे थोड़ी जी सुस्ती चढ़ी हुई है यार, मिलते हैं तेन ब्लॉग च ले लिया, इन्हें क्या ही ब्लॉग च लेना, बट अपन ले लिया यार, ये बंदे दी इंग्लिश इन्नी कु ज़्यादा हाई है ना, तो पंजाबी इन्नी कु ज़्यादा लो है ना, तुसी समझ नहीं सकते, एक बार ब्रो थोड़े नू खोडा पाता चल ठीक है भाई मिलते हैं कल, वो आते हैं ते गाइस बाहर आ चुके हुए हैं यूथ पार्लीमेंट चो, तो आते आते ही 2:30 बज जाते हैं, तो टफ हो जाता यार, घर भी जाना होता, बट ट्यूशन भी लगनी हूँ इकनोमिक्स की, क्योंकि क्लासा तो इतने लगदिया नहीं, तो पढ़ना भी आ, समेस्टर पास भी करना आ, ता ही बीकॉम ऑनर्स होगी, नहीं तो यूथ पार्लीमेंट यूथ फेस्टिवल इन्हें च ही रह गए हुए हैं, बट पढ़ना भी आप थोड़ा थोड़ा, बाकी करे आके वेखते हैं की करना की नहीं करना, बाकी हजे तो भुख बहुत लग रही है, क्योंकि सवेर के 2 कप चाह पीते तो अद्धा समोसा खाधा आ, क्योंकि तलिया चीज़ा थोड़िया घट की हुई, थोड़ी अंदर प्रॉब्लम आ, ता करके तलिया चीज़ा खाधिया नहीं आदियाँ, रोटी भी घट ही खाधी आदि है, फूड बलॉग तो हजे तुम सोचो ही ना भी आएंगे यार, क्योंकि फूड बलॉग हजे बनने ही नहीं आ, क्योंकि खाना पीना हजे आपका थोड़ा थोड़ा बंद होया था, बट तुहानू लिक्विड चीज़ा दसांगे हुण जिहड़ी एनर्जी दिंदियां अंदर भी कितों कितों वधिया मिलदियां, वह भी मैं देखिया माड़िया मोतिया बठिंडे जिथों मिलदियां आ, जिवें कि दुध वधिया हो गया, सूप वधिया हो गया, जिहड़ियां ठंड च चीज़ा आपां फायदेमंद देणगियां वह चीज़ा ते बलॉग आएंगे, बाकी घरे आ कहिंदे जाने तो विखाने सिमर दुराहा कल्ले वाल नहीं वधाए जाने मेरी ये मैं बंदे भी वधाए बड़े ने हे ब्लॉगर हाउ आर यू एटीट्यूड पर्सन दिस इज कॉल्ड सुखी मेरे कोई एटीट्यूड नहीं हैगा किसी भी चीज का ऐ मारी जांदे गल्ले गाइस ऑडिटोरियम च गिद्ध दी प्रैक्टिस चल रही है देख के ही
ਆਏ ਦੇਖੇ ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਯੂਥ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਬਟ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਪੰਡ ਪੰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 6-6-7-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਕਰੇ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਦਿਆ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਜਾਣੇ ਗਾਈਜ਼ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਚਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਇਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਚੜ ਗਈ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਵਲੋਗ ਅਡਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਅਡਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਅਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਲੋਗ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਟੋਫੀ ਅੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ